हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर साना साना हाथ जोड़ी, जिसकी लेखिका है मधु कांकरी जी। मधु कांकरी जी ने इस पाठ में अपना सिक्किम की यात्रा का वर्णन किया है। एक बार वे अपने मित्र के साथ सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक घूमने गई हुई थी। तो इस पाठ में बेसिकली वहाँ के लोगों का और वहाँ का कल्चर का विस्तार से वर्णन किया गया है। पाठ में हिमालय और उसकी सुंदर घाटियों का भी वर्णन किया गया है। लेखिका वहाँ की बदलती प्रकृति के साथ अपने को भी बदलता हुआ महसूस करती है। वो कभी एक प्रकृति प्रेमी, कभी एक विद्वान, संत या दासनी के समान हो जाती है। इस यात्रा का लेखिका पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इस पाठ का मेन मतलब, यानी कि साना साना हाथ जोड़ी का मतलब ये होता है कि दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करना। और इस पाठ में प्रदूषण के बारे में भी बताया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर एक छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली एक यात्रा वृत्तांत है। इस चैप्टर में लेखिका सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक और उसके आगे की हिमालय की यात्रा का वर्णन की है, जो शहरों की भागम भाग वाली जिंदगी से काफी दूर है। लेखिका गैंगटॉक को मेहनती बादशाहों का शहर बताती है, क्योंकि वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा मेहनती है। वहाँ तारों से भरे आसमानों में लेखिका को सम्मोहन महसूस होता है, जिसमें वे अक्सर खो जाती है। वे नेपाली युवती द्वारा बताई गई प्रार्थना मेरा सारा जीवन अच्छाइयों पर समर्पित हो को गाती है। अगले दिन मौसम साफ ना होने के कारण लेखिका कंचनजंगा का चोटी को दर्शन नहीं कर पाती है, लेकिन वे ढेरों खिले फूल को देख करके खुश हो जाती है। वे उसी दिन गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर युमथांग देखने आती है। गंगटोक से युमथांग निकलते ही लेखिका को काफी बड़े बड़े बहुत सारे सफेद झंडे दिखते हैं, जो शांति और हिंसा को सिंबलाइज करते हैं, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं। और ये झंडों पर काफी छोटे छोटे मात्रा में मंत्र लिखे हुए थे। तब इसी बात पर लेखिका के गाइड ने उन्हें बताया कि जब कोई मॉन्ग की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए बेसिकली कोई शहर से दूर 108 यही सफ़ेद झंडे गाड़ दिए जाते हैं, और इन्हें कभी उतारा नहीं जाता है, ये खुद नष्ट हो जाती है। और कभी कभी तो नया चीज़ ऑर्गेनाइज करने के बाद भी ये झंडे को गाड़ा जाता है, लेकिन ये झंडा वाइट नहीं होता, ये कलरफुल होता है। फिर जितेंद्र ने बताया कि कविलोंग स्टॉक नाम के एक जगह में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। आगे चलकर मधु जी को एक कुटिया के अंदर घूमता हुआ चक्र दिखाई दिया, जिसे धर्म चक्र यानी कि प्रेयर व्हील कहा जाता है। नारगी ने बताया कि इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आंखों से कम होने लगी, मतलब कि वो बस्ती कम होने लगे। घाटियों पर देखने से सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। उन्हें हिमालय पल पल चेंज होते दिख रहा था। नीचे घर एकदम छोटे छोटे ताश के पत्तों जैसा दिखने लगे, और हिमालय का विशालता दिखने लगी। फिर धीरे धीरे वो रास्ता बहुत ही ज्यादा घुमाव होने लगे, और कहीं कहीं ये पहाड़ों में हरियाली के बीच में कोई छोटे छोटे फूल भी खिल रहे थे। और हिमालय का सुंदरता को देखकर सभी यात्री जो वहाँ पर गए थे वो सब प्रभावित हो जाते हैं, और वो फिर प्रार्थना की लोक गीत गाने लगते हैं। चांदी के जैसे चमकता हुआ तिस्ता नदी एकदम तेजी से सिलीगुड़ी के साथ चल रही थी। प्रसन्न लेखिका ने हिमालय को सलामी देना चाही थी, तो वैसे ही जीप चलते चलते सेवन सिस्टर फॉल के सामने खड़ी हो गई। झरने के खलखल और वहां पर मौजूद ठंडक ने लेखिका के मन में मौजूद सारे दुर्भावनाओं को खत्म कर दिया। झरने का पानी लेखिका को ऐसे लग रहा था जैसे कि उनके अंदर की सारी बुराइयां और दुष्टता को वो झरने अपने साथ बहा के ले जा रहा हो। फिर थोड़ी देर के लिए जीप थिंग ब्रिंग नाम का जगह पर जाकर के रुकती है।
वहां पर सभी कोई एक साथ सामने था। नीचे बहुत सारे झरने थे। नीचे विवेक से बह रही तिस्ता नदी भी दिख रही थी। सामने हल्की सी धुंध यानी कि फॉग थी और ऊपर आसमान में बादल थे और हवा एकदम धीरे धीरे चल रही थी। फिर वहां पर कुछ औरतों के पीठ में बंधे टोकरियों में उनके बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमत दे दिया। एक कर्मचारी ने बताया तो उसने बताया कि ये औरतें पहाड़ी की एकदम नोखीली रास्तों को चौड़ा बना रही है और कभी ना कभी किसी ना किसी समय काम करते वक्त कोई ना कोई व्यक्ति की मौत हो जाती है क्योंकि वो ऊपर से नीचे डायरेक्ट गिर जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब पहाड़ को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उसके हिस्से कहीं ना कहीं उड़ के चले जाते हैं और यदि उस समय सावधानी ना बरती जाए जानलेवा हादसा हो जाता है। लेखिका को लग रहा था कि सभी जगह आम जीवन की केवल एक ही कहानी है। आगे चलने पर रास्ते में बहुत सारे पहाड़ी स्कूल के बच्चे दिखे। जितेन आर के बताता है कि वो बताते हैं कि ये बच्चे 3-3.5 किलोमीटर ऊपर चढ़कर पहाड़ में चढ़कर अपने स्कूल जाते हैं और फिर यही बच्चे स्कूल से लौटने के बाद अपनी माँ के साथ काम करते हैं और यहाँ का जीवन बहुत ही ज़्यादा कठोर है। जंगल से लकड़ी काट कर लाने और पानी भरने और पालतू जानवर जैसे कि सीप, गोट इन लोगों को चराने का काम पुरुष करते हैं। तो यही सब दृश्य को देख करके लेखिका को पहाड़ियों का कठिन जीवन का एहसास होता है। जैसे जैसे ऊंचाइयां बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे खतरे भी बढ़ते जा रहे थे और अब रास्ता और भी ज़्यादा तंग हो रहा था और आगे सरकार द्वारा गाड़ी धीरे चलाने की चेतावनी वाला सिंबल लगा हुआ था। शाम के समय जीप चाय बगानों वाली रास्ते से गुजर रही थी। बगान में कई युविता यानी कि लड़कियां सिक्किम वाली ड्रेस, वहां का कल्चर वाली ड्रेस पहने चाय की पत्तियां, हरी हरी चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। चारों ओर रेनबो कलर जैसे फैले हुए थे और युमथांग पहुंचने से पहले वे लोग लायुम नाम का जगह पर रुके। लायुम में लकड़ी से बने छोटे छोटे घर थे। लेखिका अपना थकान को उतारने के लिए तिस्ता नदी के बगल में पत्थरों पर बैठ गई। रात होने पर जितेंद्र के साथ अन्य साथियों ने भी नाच गाना शुरू कर दिया और लेखिका एक फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा डांस किया। लायुम में लोगों का मेन भोजन आलू, चावल और थोड़ा सा शराब था। लेखिका को वहाँ बर्फ देखने की बहुत इच्छा थी लेकिन वहाँ उसे बर्फ कहीं भी नहीं दिखी। एक स्थानीय युवक के अनुसार प्रदूषण के कारण यहाँ पर स्नोफॉल कम हो गया था। कटाव में बर्फ देखने को मिल सकती है ऐसा उसने कहा। और मैं आपको बता दूं कि कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। मनी नाम की एक लड़की जिसने स्विट्जरलैंड घूमा था उसने कहा कि ये स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा सुंदर है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था इसलिए ये अब तक अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायोंग से कटाव का सफर 2 घंटे का था और कटाव का रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। जितेंद्र अपनी पूरी अंदाज से गाड़ी चला रहा था। चारों ओर दूर दूर तक बर्फ से भरे पहाड़ ही दिखाई दे रहे थे। कटाव पहुंचने पर हल्की हल्की बर्फ पड़ने लगी थी यानी कि स्नोफॉल होने लगा था। सभी सयाथी यानी कि सभी साथी वहां पर अपने इस नेचुरल वातावरण पर फोटो खींचा रहे थे। लेखिका वहां का वातावरण को अपने सांसों में समा लेना चाहती थी और उसे लग रहा था कि यहाँ का वातावरण ही ऋषि मुनियों को वेद की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया होगा। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई मनुष्य देख ले तो वो भी आध्यात्मिक हो जाएगा। फिर मनी भी कहती है कि प्रकृति अपने ढंग से सर्दियों में हमारे लिए पानी इकट्ठा करती है और गर्मियों में ये बर्फ पिघल कर पानी बन हम लोग के प्यास को बुझाती है। प्रकृति का ये जल सचमुच अद्भुत है। इस प्रकार नदियों का हम पर बहुत ही ज़्यादा कर्ज है। थोड़ा आगे जाने पर बहुत सारे कैंप, फौजी कैंप दिखाई देने लग जाते हैं क्योंकि ये एक बॉर्डर एरिया है और थोड़ी ही दूर पर चीन की सीमा थी, चीन की बॉर्डर थी। कटाव से युमथांग जाते वक्त सभी लोगों ने नीचे मौजूद फूल के घाटियों का लुत्फ़ उठाया। युमथांग जगह कटाव जैसी सुंदर नहीं थी।
जितेंद्र ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है और ऐसा करने पर उन्हें कैंसर नहीं होता है। युमथांग वापस आकर वहाँ सब कुछ उन लोगों को फीका फीका सा लग रहा था। वहाँ एक सिक्किम यात्री ने अपना परिचय इंडियन कहकर दिया तो लेखिका इस पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य था पर अब बाद में ये इंडिया का एक पार्ट हो गया था और इससे सिक्किम के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। फिर रास्ते में गाइड नारगे ने रात में भौंकने वाले कुत्ते दिखाए। फिर गाइड ने वो जगह भी दिखाया जहाँ पर गुरु नानक एक बार खाना खा रहे थे और उनकी थाली से एक चावल का दाना छिटक कर नीचे गिर जाता है और फिलहाल वहाँ पर अभी एक बहुत ही विशाल मंदिर है। मंदिर नहीं यार, गुरुद्वारा है। फिर उन्होंने एक जगह दिखाया जहाँ पर उन्होंने सभी लोगों का ऐसा मानना था कि वहाँ पर देवी और देवताओं का निवास है, यानी कि घर है। फिर गाइड ने वहाँ के नदियों, झरनों, लोगों का पूज्य भाव का भी विस्तार से प्रस्ताव दिया और अंत में उन्होंने कप्तान शेखर दत्ता के सुझाव पर गंगटोक के पर्यटक और नए रास्तों के साथ और नए स्थानों को खोजने के प्रयासों की जानकारी भी दी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए स्टडी टेक। और दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर के से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी देता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।